जी जी हजरत की कुछ करामात करामात तो कि आप सरकार बादशाह औरंगजेब को दरिया पार करना था, आप सरकार का मगरिब का वक्त था, इत्तेफाक से गुजरना हो गया, बहते हुए दरिया पे मसल्ला बिछा कर आप सरकार नमाज अदा कर रहे माशाल्लाह। अजी ये बोल बादशाह औरंगजेब को 40 वर्ष का अर्सा गुजर चुका था जी। अजी ये एक बोलते हैं वो पेड़ सजदा करे थे, वो क्या वाकया है? हुक्म-ए-इलाही अल्लाह के हुक्म से तमाम दरख्त ने आपकी ताज़ीम की माशाल्लाह। दरख्त ने आप सरकार को सियाज़म की तजवीज़ का झंडा इस सरजमीन पर रखा, तो इसमें अगर अल्लाह की तरफ हुक्म हो गया दरख्त जी जी सरकार की ताज़ीम की जी। और बोलते हैं जो इधर ज़मीन वमीन सब सरकार के नाम की आजू बाजू की गिरद। मैं हूँ नसीम अजा कादरी, हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं हूँ टटोली शरीफ की सरजमीन पर हज़रत कासिम शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हजरत बगदाद से तशरीफ़ लाए थे और गौसे आज़म के घराने से हैं। हरकत हजरत की बहुत करामात है, दिखाता है जितने ज़मीन दिख रही है यहाँ से, पूरी जितनी ज़मीन है सब सरकार के नाम है। और एक तो ऐसा रहता है कि पेड़ रहते हैं ना, पेड़ हजरत को सजदा करे थे, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़ियारत कराते हैं, हजरत की क्या करामात है, हजरत कहाँ से आए थे, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। चलिए देखो ये सरकार का रोज़ा मुबारक माशाल्लाह। आज जब नियाज रखी गई है इसलिए हमारे साथ है रियाज भाई, बताइए हजरत कहाँ से आए थे? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं आप जी। हुजूर से अपना हजरत शेख कासिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तारीफ, आपका नाम है शेख कासिम बगदादी रहमतुल्लाह। हाँ जी। आपको पर्दा की साल को तकरीबन 552 साल बीत चुका है जी। आप सरकार की आमद हुई थी सरजमीन पर, तब्दील के लिए सरकार को भेजा गया था जी। जिक्र फिक्र शब शुक्र आप जिद करते अपना सफर तय कर लेते जी। इत्तेफाक से अचानक आपका नमाज का वक्त हुआ, इस सरजमी पर आपने बयान किया जी जी। हजरत की कुछ करामात करामात तो ये कि आप सरकार बादशाह औरंगजेब को दरिया पार करना था, आप सरकार का मगरिब का वक्त था, इत्तेफाक से गुजरना हो गया, बहते हुए दरिया पे मसल्ला बिछा कर आप सरकार नमाज अदा कर रहे माशाल्लाह। अजी ये बोल बादशाह औरंगजेब को 40 वर्ष का अर्सा गुजर चुका था जी। अजी ये एक बोलते हैं वो पेड़ सजदा करे थे, वो क्या वाकया है? हुक्म-ए-इलाही के हुक्म से तमाम दरख्त ने आपकी ताज़ीम की माशाल्लाह। दरख्त ने आप सरकार को सियाज़म की तजवीज़ का झंडा इस सरजमीन पर रखा, तो इसमें अगर अल्लाह की तरफ हुक्म हो गया दरख्त जी जी सरकार की ताज़ीम की जी। और बोलते हैं जो इधर ज़मीन वमीन सब सरकार के नाम की आजू बाजू की गिर्द। देखो जो हजरत बता रहे थे पेड़ सजदे करे थे, ये देखो पेड़ देखो सर सजदे करे हुए। ये देखो इधर भी एक अल्लाह के वली की मज़ार है, ये देखिए। ये देखिए बहुत सारे, ये सरकार का रोज़ा मुबारक, बहुत से सारे अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं यहाँ। ये देखे देखे पेड़ सजदा करा हुआ है, ये देखो। ये भी कोई बुज़ुर्ग है, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं यहाँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखेंगे जब हजरत ने ज़मीन पर कदम रखे तो इस्तकबाल के लिए पेड़ झुक गए, सजदा कर दिए। ये देखो ये भी पेड़ सजदा किया हुआ है। ये देखो अच्छा ये दरबार शरीफ है, ये गेट है, ये राहिल भाई अपने सरकार का रोज़ा है मुबारक।
हज़रत शेख कासिम शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी अल्लाह के वली है। ये मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।